अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद इकबाल। गाइस आज मैं जो टीआरसी में आया हूँ कि यहाँ की खूबसूरती मैं आपको दिखाऊंगा। ये अच्छे अच्छे पेड़ जो लगाए हैं यहाँ पर, बड़ी खूबसूरती है इन पेड़ों में। और मेरे साथ सदाम भी है, मशहूर अहमद नायक भी है। थोड़ा वहाँ पर चलते हैं। थोड़ा सा मशहूर अहमद नायक को हम पूछेंगे इस पार्क के बारे में। ये लाइटें लगाई गई है, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? नई लाइटें लगाई है, ये चारों तरफ लाइटें लगाई है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा चेहरा उधर घुमाइए, थोड़ा हम सदाम से भी पूछेंगे। सदाम आपका क्या कहेंगे? जो ये लाइटें लगाई गई है यहाँ पर, वो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा काम किया है जो हमारा डिपार्टमेंट है केडीए, इसने अच्छा काम किया। यहाँ पे ये लाइटें इंस्टॉल की है, यहाँ पे ये बैंक लगाए हैं, इससे यहाँ के जो टूरिस्ट जो है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा आएंगे देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम चलेंगे वहाँ पर जहाँ ये नहाने के लिए पूल बनाया गया है, वहाँ पर भी लाइटें लगाई गई हैं, वहाँ हम चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब भी आते, जावेद साहब को थोड़ा सही गई है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये चारों तरफ से लाइटें ही लाइटें लगाई है यहाँ। थोड़ा सा हम इसको घूमेंगे, बड़ा मज़ा है। कैमरामैन है उमर साहब। यहाँ पर इकबाल साहब आप नहाएंगे थोड़ा? बोला इस वक्त बहुत ठंड है, अगर मैं नहाऊंगा? नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा नहाइए। ठंड है यहाँ पर? नहीं, आप इस वक्त थोड़ा सा नहा सकते हैं। इस वक्त सिर्फ घूमेंगे हैं। दर्शक भी देखना चाहते हैं कि इकबाल साहब थोड़ा नहाए यहाँ पर इस स्विमिंग पूल में। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइए, आप नई लाइटें लगाई गई है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये छात्रों की खूबसूरती है, टूरिस्ट के लिए अच्छा होगा। ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी खूबसूरती है। अब लोगों को कदर करनी है। मतलब क्या कदर करनी है? हिफाजत करनी है, कोई चोरी ना करे लाइट लाइट में, घर अपने घर में। जो ये नहाने के लिए पुल बनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक दिन जो टाइम होता था, हम दरिया में नहाते थे, छलांग लगाते थे, कभी टांग जख्मी होती थी। सदाम को भी मतलब बड़ी मरतबा टांग जख्मी हुई है, क्या सदाम? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे ठंडी है ना। आपने कभी गोता लगाया है नदी में? कभी टांग जख्मी आपकी हुई है? आप क्या मतलब जो ये पुल बनाया गया है यहाँ पर, नहाने का सिस्टम है, बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। आपने कभी नहाया यहाँ पर? बहुत बार। बस इस गाड़ गाड़ नहीं रखे अब। लास्ट पर हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर ये प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं। यहाँ की यही खूबसूरती है जो ये अच्छे अच्छे फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। यहीं पर 15 अगस्त भी बनता है, 26 जनवरी भी यहीं पर बनता है। तो अब कुछ टाइम बचा है, 8-10 दिन शायद बच गए हैं, तो उस टाइम भी आपको दिखाएँगे यहाँ का प्रोग्राम हम। सदाम भी उस टाइम मेरे साथ होगा, क्योंकि बच्चों के साथ होता है अक्सर सदाम। सदाम क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है ना, 15 अगस्त का जो सपाट चुना गया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे खूबसूरती अगर देख रहे हो यहाँ पे आप, कितना खूबसूरत जो है यहाँ पे, छात्रों में पहली बार यहाँ पे इतना खूबसूरत जो है ना सपाट बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है छात्रों के लोगों के लिए, जो बाकी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी। गाइज, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।